दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। आईपीएल 2020 के 13वें सीजन का 23वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल और राजस्थान के बीच शारजा में खेला जाएगा। इस मैच से पहले दिल्ली के तेज गेंदबाज हर्ष पटेल ने बड़ा बयान दिया है। पटेल ने कहा है कि उनकी टीम इस मुकाबले में गलती से कोई भी गुंजाइश नहीं होगी। शारजा से पहले बड़े स्कोर वाले मैच का हिस्सा रह चुकी है। हर्ष पटेल ने कहा है कि जब भी आप स्कोर वाले मैच से खेलते हो तो सभी 24 गेंद के दौरान आपको सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। ऐसे में गलती की गुंजाइश काफ़ी कम होती है। साथ ही आपको पता होगा कि काफ़ी रन बनाने वाले आपके ऊपर दबाव थोड़ा कम रहता है। पता होता है कि यहां सभी खिलाफ़ रन बनाने वाले हैं। तेज गेंदबाज ने आगे कहा है कि इसके लिए खेल के प्रति अपने रवैये को लेकर आप थोड़े रिक्स हो सकते हैं और सिर्फ इस पर ध्यान लगाते हो कि बल्लेबाज क्या कर रहा है। अगर वह अच्छी लेंस वाली गेंद पर भी शॉर्ट खेल देता है तो आपको इसे स्वीकार करके आगे बढ़ाना होगा। पटेल ने आगे कहा था कि राजस्थान के खिलाफ उनकी टीम का ध्यान अपनी राजनीति को कहा था कि मुझे लगता है कि आईपीएल के सभी टीम तो यह कारण क्रिकेट का स्तर शानदार है, इसलिए जब आप और संजू सैमसन के सामने हो तो आपको अपने कौशल को पेश कर पर ध्यान देना चाहिए। पटेल ने कहा था कि आज टीम बैठक में सिर्फ योजना बना सकते हैं लेकिन अपनी प्लानिंग को मैदान पर सही तरीके से। बता दें दिल्ली कैपिटल का प्रदर्शन इस सीजन में शानदार रहा है। टीम 8 में दूसरे स्थान पर है। ऐसे में राजस्थान के खिलाफ टीम का मनोबल हाई रहने वाला है। वही लगातार 3 मैच हारने वाले राजस्थान बोल पर दबाव है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि आज कौन सी टीम जीतेगी आप कमेंट में जरूर बताओ और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए।